इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लेते हैं ना, तो ये क्या होगा कि माइनस वन जो होगा ना वो नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, माइनस वन को छोड़ दिया, यूनियन जीरो, जीरो को भी छोड़ दिया, क्या लिख रहा हूं मैं, जीरो नहीं वन 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 वन, ये तो वन है ना, वन को भी छोड़ दिया, क्यों वन को छोड़ दिया, बिकॉज इस सेट में वन तो है नहीं, तो वन को छोड़ दिया, इसीलिए वन पे ओपन लगाया, कॉमा फोर को ले लेंगे, फिर फोर पे क्लोज होगा, बिकॉज यहां भी फोर है, देखो यहां भी फोर है, तो फोर को हमने ले लिया, तो ये हमारा फंक्शन का डोमेन आ गया। यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक किया लिखने में, तो इसमें कुछ गड़बड़ आ सकता है, ये डोमेन को तुम देख लेना, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, ये क्या किया मैंने, ये गड़बड़ कर दिया यार, यहां पे मैंने यार, ये जो है ना, सबसे पहले ये यहां पे ओपन होगा, ये बच्चों करेक्ट कर लेना यार अपने पीडीएफ में, देख रहे हो ना, इसको करेक्ट कर लेना, यहां भी ओपन होगा, और ये जो होगा ना यहां से होगा, यहां पे ओपन और यहां से होगा, ये रॉन्ग आंसर लिखा हुआ, करेक्ट कर लेना, और ये क्लोज होगा, ये इसको हटाओ, डोमेन फंक्शन का क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन, यूनियन वन पे भी ओपन से लेके फोर और फोर पे क्लोज्ड, ये आंसर होगा, करेक्ट कर लेना अपने पीडीएफ पे, ठीक है, ये नहीं कि इसको करेक्ट नहीं करना, अगर तुम पीडीएफ लिख रहे हो तो पीडीएफ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब सिक्स पे आ जाओ, सिक्स में क्या बोल रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें डिनोमिनेटर को हमें रोकना होगा, कि हमें सिर्फ ये खोजना हो कि डिनोमिनेटर किस एक्स पे जीरो हो रहा है, उस एक्स को हटा दो इससे रियल नंबर से, तो डोमेन आ गया, डिनोमिनेटर ऑब्वियस सी बात है थ्री पर जीरो हो रहा है, तो ऑल रियल नंबर माइनस थ्री, तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाओ, इसमें भी डोमेन निकालना है, पहला क्वेश्चन एफ एक्स दे रखा है रूट अंडर एक्स माइनस टू, तो ये क्या हमारा स्क्वायर रूट है, तो x माइनस टू क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो x माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, तो डोमेन आ गया टू से इन्फिनिटी, टू पे भी हमने क्लोज कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट में वन अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस वन, अब स्क्वायर रूट कहां आ गया, डिनोमिनेटर में, तो मैंने बोला कि जब भी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आए तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, इक्वल्स टू जीरो भी नहीं होगा, तो एक्स माइनस वन को क्या कर लिया, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जो मैं पीडीएफ में करेक्ट करता हूं ना, करेक्शन करता हूं, वो कर लेना ध्यान से, तो x माइनस वन को हमने ग्रेटर देन जीरो बोला, तो यहां से क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन वन, तो डोमेन क्या हो गया, वन से इन्फिनिटी, वन को छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ, क्या हमारे पास फंक्शन दे रखा है रूट अंडर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है न्यूमरेटर में, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो क्या होगा, फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल्स टू फोर, तो इसको तुम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू फोर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टू, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस टू टू टू, एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये फॉर्मुला पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर इम्प्लाइज मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए, यहाँ पे ए पॉजिटिव होगा, तो एक्स क्या होगा माइनस ए से ए के बीच में, तो फॉर्मुला ऑलरेडी लिखा चुका हूं ना बेसिक मैथमेटिक्स में, या फिर तुम ऐसे भी इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू फोर है ना, तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक आ गया ना, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर, तो क्वाड्रेटिक आ गया, लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, इनसाइड द रूट फोर, नहीं यार ये टू होगा, तो ये क्या होगा माइनस टू टू, बिटवीन द रूट्स होगा, और इक्वल्स टू जीरो कहां होगा, ऑन द रूट्स होगा टू और माइनस टू पर, तो यहां से भी एक्स क्या हो गया माइनस टू टू टू, ये तो बस ऐसे ही बता रहा हूं फालतू टाइम पास, ठीक है। तो ये बात आ रही होगी समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, तो यहां से क्या हो गया, इसका डोमेन आ गया माइनस टू टू टू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर में, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फिर आ गया डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट,
तो डिनोमिनेटर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है ना स्क्वायर रूट के अंदर, उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो। तो हमने ग्रेटर देन जीरो किया, फिर सॉल्व किया, फिर आ गया क्या, क्वाड्रेटिक आ गया। ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब आउटसाइड द रूट, तो आउटसाइड द रूट ले लिया, आंसर हो गया। वन और टू को नहीं लेंगे बिकॉज इक्वल्स टू जीरो नहीं है, तो वन और टू को सॉरी माइनस वन आ रहा है क्या यार, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये प्लस वन है, तो वन और टू को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज इक्वल्स टू जीरो नहीं है, तो ये आ गया डोमेन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव में, क्वेश्चन नंबर फाइव में लॉग इन्वॉल्व है और यहां पे क्या है रूट अंडर एक्स प्लस टू। अब बोल रहा है डोमेन निकालने के लिए, तो डोमेन कैसे निकलेगा, ये वाली चीज भी डिफाइंड होनी चाहिए एंड ये वाली भी चीज डिफाइंड होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, पहले हमें इसका डोमेन निकालना होगा, फिर हमें इसका डोमेन निकालना होगा, दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो एफ का डोमेन आएगा। तो अब इसका डोमेन कैसे निकलेगा वो देख लो, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना होगा, सबसे पहले तुम ऐसे देखो, मैंने क्या बोला था कि लॉग ऑफ ए बी ये कब डिफाइंड होता है, जब इसका जो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या है ए वो पॉजिटिव हो और बेस क्या है बी, बी भी पॉजिटिव हो एंड बी जो है वन के इक्वल ना हो। ये बात तो याद रखना, अभी इलेवंथ क्लास में बता रहा हूं। और लॉग हमेशा याद रखो, कोई भी बेस हो यहां पे, एनी बेस, टेन हो, ई हो, लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है ना। तो अब आ जाओ क्वेश्चन अब सॉल्व होगा, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना होगा, वन अपॉन लॉग वन माइनस एक्स बेस टेन प्लस रूट अंडर एक्स प्लस टू, ये क्या हमारा एफ एक्स के इक्वल है। अब देखो एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होना होगा, इस लॉग को पहले डिफाइंड होना होगा, ये लॉग को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इसका आर्गुमेंट क्या है वन माइनस एक्स, तो इसे पॉजिटिव होना होगा, ठीक है। पहला कंडीशन, बेस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेस तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो रखा है, बेस में तो कोई वेरिएबल थोड़े ना दे रखा है, तो बेस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वन अपॉन वन माइनस एक्स को क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा एंड वन माइनस एक्स वन के भी इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज अभी मैंने बोला कि आर्गुमेंट अगर वन हो गया तो लॉग का वैल्यू जीरो हो जाएगा और लॉग कहां है डिनोमिनेटर में, तो ये वाली चीज डिफाइन नहीं होगी। अगर ये लॉग होता ना न्यूमरेटर में तो इसकी जरूरत फिर नहीं थी, अगर ये लॉग न्यूमरेटर में होता तो इसकी जरूरत फिर नहीं थी हमें, क्यों नहीं थी फिर, बिकॉज वन माइनस एक्स अगर वन हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, न्यूमरेटर जीरो तो चलता है। यहां पे हमें क्या करना पड़ा कि हमें वन माइनस एक्स को वन होने से रोकना पड़ा, क्यों, बिकॉज अगर वन माइनस एक्स वन हो गया इसका मतलब अगर एक्स का वैल्यू यहां जीरो हो गया तो फिर ये लॉग वन बेस टेन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, किसी भी बेस का ले लो उसका लॉग वन क्या होगा, हमेशा जीरो होता है, तो फिर तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये वाली चीज डिफाइंड ही नहीं होगी, तो इसको भी हमने रोक दिया एंड इससे काम नहीं चलेगा। फिर एक्स प्लस टू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इतने कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एक्स इज लेस देन वन एंड यहां से क्या मिल गया, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड यहां से क्या मिल गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू। एक रियल नंबर लाइन बना लिया, वन ले लिया, माइनस टू ले लिया, जीरो ले लिया, वन ले लिया, ये क्या बोल रहा है, एक्स जो है वन से छोटा है, ये क्या बोल रहा है, एक्स जो माइनस टू के इक्वल है माइनस टू से बड़ा है, बीच में जीरो को छोड़ना होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का, माइनस टू से लेके जीरो ओपन यूनियन जीरो, इंटरसेक्शन यही आ रहा है ना, एक यहां बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, एक जीरो से वन के बीच में आ रहा है, जीरो टू वन। वन को नहीं ले लेंगे, ये नहीं कि जल्दबाजी में वन को ले लोगे, वन इस सेट में है बस, यहां नहीं है वन, ये वन नहीं है, तो वन को छोड़ना होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस टू से लेके वन तक ले लो, उसमें से एक जीरो हटा दो, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन इसका, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, सॉल्यूशन में गड़बड़ किया क्या, ये गड़बड़ मैं कर रहा हूं यार, पता नहीं कैसे कर रहा हूं। वन माइनस एक्स तो लॉग का आर्गुमेंट है ना यार, ये नहीं होगा,
वन माइनस एक्स जो है ना वो सिर्फ ग्रेटर होगा, लॉग का आर्गुमेंट जो होता है ना, ये आर्गुमेंट या लॉग का है ना, तो ये जो वन माइनस एक्स है ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता है। तो ये इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा यहाँ पे, तो ये वाली जो चीज है ना यहाँ पे होल हो जाएगा, ये होल हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा तो ये भी ओपन हो जाएगा। अब सही आंसर है, ठीक है बच्चों, कर लेना पीडीएफ में करेक्ट। अब आ जाओ रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का रेंज, अभी तक हमने क्या देखा, डोमेन, डोमेन के बाद अब क्या देख रहे हैं, रेंज। फिर वही कहानी लिखी हुई है, कहानी पढ़ लेना अपना, क्या लिखी हुई है बात, ये सब पढ़ लेना। यहां पे एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, उसको मैं समझा दे रहा हूं, यहां तक पढ़ लेना, सेम कहानी है, एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है। रेंज देखो, रेंज जो होता है ना वो डोमेन के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, मतलब उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ज्यादा दिमाग लगती है रेंज में, डोमेन तो बहुत ईजी होता है। अब रेंज के लिए क्या, ये अपना पढ़ लेना, एल्गोरिदम में आ रहा हूं। सबसे पहले रेंज के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई को किसके इक्वल करते हैं, एफ एक्स के इक्वल करते हैं, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभी तक हमने क्या होता है, अभी तक हमारे पास, अभी तक हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा होता है ना, ये मान लो ऐसे लिखा है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो y जो है ना ये x के टर्म में लिखा हुआ है, या एफ एक्स जो है ना x के टर्म में लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, रेंज निकालने के लिए पहले y को तो एफ एक्स के इक्वल लिखो, अब यहां पे y x के टर्म में लिखा हुआ है, अब क्या बोल रहा है कि x को y के टर्म में लिखो, ठीक है, ये बोल रहा है। सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व करो फॉर x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर x इन टर्म्स ऑफ y, लेट x का वैल्यू आ गया 5y, एक हमने नया फंक्शन निकाल लिया 5y, अभी क्या बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन फ्रॉम x इज इक्वल टू 5y आर रियल एंड इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग डोमेन निकालने के लिए क्या बोलते थे, हम उस x को देखते थे जिसके लिए y डिफाइंड है, यही करते थे ना, डोमेन निकालने के लिए उन सारे x को देखते थे जिसके लिए y डिफाइंड है, उसको क्या करते थे, उसका सेट बना लेते थे, तो वो रियल नंबर हो जाता था, वो डोमेन हो जाता था। अब हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, फिर y x के टर्म में होता है, अब x को y के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद उन सारे y को देखेंगे जिसके लिए x डिफाइंड हो और वो x फंक्शन के डोमेन में भी हो, उन सारे y को देखेंगे फॉर विच x इज डिफाइंड एंड डेट x इन द मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल्सो, तो वो जो y आएगा उस y के सेट को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन का रेंज। एक बार फिर से y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x को y के टर्म में लिख लिया, उसके बाद उन सारे y को देखा जिसके लिए x डिफाइंड है और फंक्शन के डोमेन में है, तो वो सारे y का जो सेट होगा वो फंक्शन का रेंज हो जाएगा। अभी तक नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं लो, अभी क्वेश्चन करूंगा क्लियर हो जाएगा। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेंड इन स्टेप 3 इज द रेंज ऑफ f, वो उसका रेंज हो जाएगा, y का जो सेट आएगा रेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहां से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, फाइंड डोमेन निकालो रेंज निकालो इस फंक्शन का, ठीक है। तो डोमेन तो एक लाइन का काम है, डोमेन क्या होगा, r माइनस 3, बिकॉज 3 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बाकी तो सारा x चलेगा, तो डोमेन हो गया r माइनस 3। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में देखो क्या किया हमने, रेंज में y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे कर दिया 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, y को इकट्ठे किया, x को इकट्ठा किया, यहां से हमने x को कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस वाई, ये क्या है हमारे पास 3y प्लस 2, तो x किसके इक्वल हो गया, 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई। तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो ना, x किसके इक्वल हुआ, 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y या y प्लस 1, तो तुम इसको ऐसे बोल सकते हो ना, 5y इज इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1,
इज इक्वल टू एक्स बोल लो, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या गिवन था, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये गिवन था ना। यहां पे क्या है हमारा एक्स जो है वाई किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, यहां पे क्या एक्स किसके टर्म में, वाई के टर्म में। कैसे निकाला हमने, y इज इक्वल टू एफ एक्स रखा, क्रॉस क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद x को इकट्ठा कर लिया, y को इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद जो फंक्शन हुआ उसको फाइव वाई बोल दिया या जी वाई बोल दो, एच वाई बोल दो। तो अब यहां पे क्या हमारा x y के टर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को देखना है, इस फंक्शन में उन सारे y को देखना है जिसके लिए ये x डिफाइंड हो और ये x जो फंक्शन का हमने डोमेन निकाला है उसमें भी लाई करे, तो वो y के वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, यही बात बोल रहा है। क्लियरली x एज्यूम रियल वैल्यूज, x कब रियल वैल्यूज एज्यूम करेगा, फॉर ऑल y, तुम y का कोई भी वैल्यू ले लो उन सब के लिए x डिफाइंड होगा, सिर्फ एक y को छोड़ के, वो y किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस वन के। अगर तुमने y का वैल्यू माइनस वन लिया तो x डिफाइंड नहीं होगा, अगर तुमने y का वैल्यू माइनस वन ले लिया देन अगेन x इज नॉट डिफाइंड, एक्स हमारा डिफाइन नहीं होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। देख लो तुम हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, थ्री माइनस एक्स, ये है ना फंक्शन, यही तो वाई के इक्वल है। अगर हमने वाई का वैल्यू माइनस वन रखा तो फिर एक्स डिफाइंड नहीं होगा, देख लो क्यों नहीं डिफाइंड होगा, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स है ना, क्रॉस करो, थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, थ्री इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज वाई जो है ना हमारा, वाई का वैल्यू हम माइनस वन नहीं ले सकते, वाई का वैल्यू अगर हमने माइनस वन लिया तो एक्स डिफाइन नहीं होगा। देखो डाल के दिखाया मैंने, वाई का वैल्यू माइनस वन तो क्या मिल गया हमें, थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, तो फिर क्या बात हो गया, यहां पे क्या हो गया कि हम y का वैल्यू माइनस वन नहीं ले सकते और कोई भी रियल नंबर ले सकते। अगर तुम y का वैल्यू कुछ भी ले लो, एनी रियल नंबर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x आएगा ना वो फंक्शन के डोमेन में होगा। y का वैल्यू तुम एनी रियल नंबर ले लो, x जो होगा वो फंक्शन के डोमेन में होगा। तो रेंज क्या हो गया फंक्शन का, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, डोमेन और रेंज निकालना है इन सारे फंक्शंस का। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पे भी मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, बट मैंने पहले फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फिर मैंने फोर्थ के बाद स्टार्ट जो किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया है। ये कितने क्वेश्चन है, टोटल 12 फंक्शन है ना, इन सबका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो मैंने क्या किया है, पहले फोर्थ स्टार्ट कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं पहले फोर्थ फंक्शन से। क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो ऑब्वियस ही बात ऑल रियल नंबर है, बिकॉज डिनोमिनेटर किसी भी एक्स के लिए जीरो नहीं होगा, तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। अब रेंज निकालने के लिए क्या बोला, वाई को एफ एक्स के इक्वल करो, तो y को हमने fx के इक्वल किया, fx किसके इक्वल हो गया, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद हमने क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करने के बाद हमें ये मिला। अब इसको ध्यान से देखो, अगर तुमने इसको तुम देखो, ये x में क्वाड्रेटिक है, ये किस में क्वाड्रेटिक है। अब तुम देखो ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, ये ऐसा तो होगा नहीं, पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में x और y इजिली सेपरेट हो गया, x और y क्या हो गया, इजिली सेपरेट हो गया ना इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, बट यहां x y सेपरेट नहीं हो रहा है। तो फिर हमने क्या देखा कि ये जो लिखा है ना, ये तो x में क्वाड्रेटिक लिखा है। अगर तुम y को कांस्टेंट देखो, y का वैल्यू तुम 2 डाल लो, तो तुम देखो ये x में क्वाड्रेटिक लिखा है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या y, और यहां x का कोफिशियंट क्या माइनस वन, और तुम कांस्टेंट को क्या बोल सकते हो, y। समझ रहे हो बात को। तो अब यहां से हमने सीधे x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू कैसे निकाल लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। तो a का काम क्या करेगा, y, b का काम क्या करेगा, माइनस वन, c का काम क्या करेगा, y। तो बस यहां पे हमने फॉर्मूला लगाया, तो x का ये वैल्यू आ गया। अब ये x का वैल्यू हमें मिल तो गया, ठीक है। अब x कब डिफाइंड होगा, इसको देखो, ये x कब डिफाइंड होगा। बाकी एक पहला हमें खतरा क्या है,
कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में y लिखा है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर y जीरो हो गया डिफाइन नहीं होगा। अगर यहां पे y ऐसा हमने ले लिया जिसके लिए ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया तो अगेन x डिफाइन नहीं होगा। तो x को डिफाइंड होने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे हमने इसको लिख लिया ना, इसको तुम चाहो तो जी वाई फंक्शन भी तो लिख सकते हो, हम चाहें तो इसको जी वाई फंक्शन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी वाई हमने फंक्शन लिख लिया, तो हमने x को y के टर्म में लिख लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि x कब डिफाइंड होगा, पहला खतरा तो हमें स्क्वायर रूट से है, दूसरा खतरा हमें डिनोमिनेटर से है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जो y है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं है, अब बिल्कुल ईजी हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व कर लेना है, ये तो आता ही है सॉल्व करना। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, माइनस कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, इनइक्वालिटी पलट गया, और ये y जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो फिर क्वाड्रेटिक आ गया y स्क्वायर माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, y कहां के बीच में आ गया, ये अब आता है सॉल्व करना तुम लोगों को। y लाइज बिटवीन माइनस 1/2 से 1/2, y जीरो नहीं होगा। तो y क्या हो गया, माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में तो आ गया, बट जीरो नहीं आएगा उसमें। तो क्या होगा, डोमेन माइनस 1/2 से जीरो, जीरो हमने छोड़ दिया, यूनियन जीरो से 1/2, माइनस 1/2 और 1/2 पे क्लोज, जीरो को हमने छोड़ दिया, ठीक है। बट यहां पे एक कैच है, समझ रहे हो बात को, एक कैच है जिसको तुम्हें, इसीलिए मैंने बोला कि जो रेंज है ना वो थोड़ा सा डोमेन से टफ है। यहां पे क्या कैच है कि इसको देख के कोई क्या बोलेगा, इसको देखकर कोई क्या बोलेगा कि अगर y जीरो हुआ तो फिर x डिफाइन नहीं होगा। बट यहां देख के कोई क्या बोलेगा कि अगर y fx को तुम जीरो करो, सॉरी, इसको देख के क्या हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, fx किसके इक्वल है, x अपॉन 1+x2। इसको देख के तुम क्या बोलोगे, यही है ना y। अब तुम यहां देख के क्या बोलोगे कि अगर हमने x का वैल्यू जीरो लिया, इसका मतलब f जीरो ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 0/1+0² = 0, और यही जीरो किसके इक्वल हो गया, y। इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या मतलब है, y जीरो तो आ सकता है रेंज में, बिकॉज x हमारा जीरो जो है फंक्शन के डोमेन में है ना, इस फंक्शन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो x इज इक्वल टू जीरो भी डोमेन में है, तो अगर हमने जीरो डाला तो y जीरो आ गया। इसका क्या मतलब है कि यहां से हमें थोड़ा मिसगाइडिंग हो गया, इसी बात को, थोड़ी थोड़ी बात है इसको समझना पड़ेगा, यहां तो हमें मिसगाइड कर दिया ना इस y ने, ये y तो क्या बोल रहा है कि ये y जीरो नहीं हो सकता, अगर यहां से y जीरो हुआ तो x जीरो के x डिफाइन नहीं होगा। बट ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या है, ओरिजिनल फंक्शन तो ये है, यहां पे अगर तुम y जीरो रखोगे तो x जीरो हो जाएगा, इसका मतलब y का जीरो वैल्यू एक्सेप्टेबल है। जब भी हम चेक करते हैं ना, हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में जाके चेक करते हैं, y इज इक्वल टू जीरो इज एक्सेप्टेबल। तो यहां पे तो हमने मना कर दिया कि जीरो नहीं हो सकता है, y यहां पे तो मना कर दिया जीरो नहीं हो सकता है, फिर यहां पे हमने जीरो को मिला लिया, तो ये फाइनल रेंज आ गई माइनस 1/2 से 1/2। तो ये बात आ रही होगी समझ में। अब आ जाओ, फंक्शन हमारा क्या गिवन है, fx x अपॉन x² प्लस x+1। इसको देख के क्या बोलोगे कि x² + x+1 डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक दे रखा है इसका d < 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव है, तो जो डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x। इसका मतलब डिनोमिनेटर किसी भी x के लिए 0 नहीं हो सकता, इसका ये मतलब है कि इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है। अब ये तो डोमेन हो गया, रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए हमने बोला y इज इक्वल टू fx कर दिया, फिर वही क्रॉस किया, तो फिर हमें क्या मिल गया, देख लो x में क्वाड्रेटिक मिल गया, इस क्वाड्रेटिक का जो a है कोफिशिएंट ऑफ x² इज y, जो b जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं वो y माइनस 1 है, c जो कांस्टेंट टर्म होता है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो x का वैल्यू फिर वही क्वाड्रेटिक लगा दिया फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये लगा दिया। लगाने के बाद फिर यहां पे हमें खतरा कहां है, इस डिनोमिनेटर के y से खतरा है, ये स्क्वायर रूट से खतरा है, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर का y जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग थोड़ा सा समझे तो इसको पहले ही हटा दे, बिकॉज देखो ना x जीरो डालेंगे तो y जीरो हो जाएगा, तो चाहो तो इसको हटा सकते हो, बट
एक क्या बोलते हैं सिस्टम से लेके चलने के लिए अभी हम वाई को जीरो मना कर रहे हैं कि वाई जीरो के इक्वल नहीं होगा, बाद में ले लेंगे वाई को जीरो भी ले लेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा है ग्रेटर देन जीरो होगा, वाई जीरो के इक्वल नहीं होगा, बीच में एंड है बिकॉज ऐसा भी होना चाहिए एंड ऐसा भी होना चाहिए तभी जाके एक्स डिफाइंड होगा। माइनस कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेजा, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। फिर इसको हमने क्या, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हमने क्या कर दिया, रूट निकाल लिया। लेस देन जीरो है तो बिटवीन द रूट्स होगा, ग्रेटर देन जीरो होता तो आउटसाइड द रूट्स होता, तो लेस देन जीरो है तो बिटवीन द रूट्स निकाल लिया। इसका रूट क्या है, माइनस वन एंड वन अपॉन थ्री, तो बिटवीन द रूट्स कर लिया, वाई को जीरो होने से मना कर दिया। ठीक है, तो माइनस वन एंड वन अपॉन थ्री के बीच सब ले लेंगे, जीरो हटा देंगे। अभी तक तो ये लिखा वाई, ये एलिमेंट होगा माइनस वन से वन अपॉन थ्री, माइनस वन एंड वन अपॉन थ्री बोथ आर इंक्लूडेड, माइनस जीरो। फिर हमने बोला कि वाई का वैल्यू जीरो होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो फिर जीरो भी डाल दिया। तो यहाँ पे हमने होल किया था, ये भी फिल हो गया, तो माइनस वन से वन अपॉन थ्री इसका रेंज आ गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, अब क्वेश्चन नंबर टू में आ जाओ। फोर हमने पहले सॉल्व कर दिया, उसके बाद वन सॉल्व किया, अब आ जाओ टू में। अब सबसे पहली बात क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन फाइव होगा, तो डोमेन क्या होगा, फाइव से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो हो गया डोमेन। अब रेंज के लिए देखो, रेंज का एक मेथड नहीं है, रेंज के तकरीबन पांच मेथड है जिससे हम फंक्शन का रेंज निकालते हैं। इलेवंथ क्लास के बच्चों को ना फंक्शन जो होता है ना वो समझो कि सिर्फ 20% पढ़ाया जाता है, फंक्शन हमें ट्वेल्थ में भी पढ़ना है, 80% फंक्शन ट्वेल्थ में। तो अभी तुम्हें सिर्फ रेंज, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसका रेंज अभी तुम्हें नहीं बताया जाता इलेवंथ क्लास के केस में। ठीक है, तो अभी बस इसीलिए रेंज जो है ना वो वैरी करता है, रेंज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो अभी मैंने रूल बताया ना वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ले लो फिर ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रेंज हम डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं। मान लो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन दे रखा है और मैं तुमसे बोलूं कि रेंज बताओ, तो फिर हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स करेंगे, फिर एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे, इतना काम क्यों करेंगे। हमें पता है ना कि एक्स का हम कोई भी वैल्यू डाले, वाई का वैल्यू या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। y इज इक्वल टू मॉड एक्स में देख लो ना, x का तुम कोई भी वैल्यू डालो, एनी रियल नंबर, y क्या होगा, या तो जीरो होगा तो पॉजिटिव होगा। तो रेंज क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, तो हो गया बस रेंज। इसमें हमने कहा किया y इज इक्वल टू एफ एक्स किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक बनाया, फिर स्क्वायर रूट लिया, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट बता दिया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अब यहां देखो डोमेन तो निकल गया। अब ये बताओ रूट अंडर एक्स माइनस फाइव, ये जो चीज है ना ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये जीरो के भी इक्वल नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर में लिखा है ना। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है या तो जीरो के इक्वल होता है, बट यहां स्क्वायर रूट कहां लिखा है, डिनोमिनेटर में, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी, डोमेन का कोई भी एलिमेंट उठा लो, ये वाली जो चीज है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ में आ रही है बात, डोमेन क्या निकला, फाइव टू इन्फिनिटी, डोमेन का कोई भी एक्स उठाओ, रूट अंडर एक्स माइनस फाइव इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल क्या, निगेटिव हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। टू हमारा पॉजिटिव है तो वन अपॉइंट टू भी पॉजिटिव है, फाइव पॉजिटिव है तो वन अपॉइंट फाइव भी पॉजिटिव है। तो अगर रूट अंडर एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी, तो वन अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस फाइव भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी। अब यही वन अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस फाइव क्या है, एफ एक्स है ना, वाई है ना, तो वाई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी, यही वाई तो रेंज है, तो रेंज क्या हो गया, आर प्लस हो गया, बस हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाओ, ये शायद मे बी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन निकालने के लिए तो बहुत इजी है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया, यहां से डोमेन आ गया तो निकाल लोगे। अब रेंज के लिए हमने क्या किया कि फिर वही काम, वाई को एफ एक्स के इक्वल लिखा, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अब यहां से एक्स तो इजिली सेपरेट हो गया, एक्स और वाई सेपरेट हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई।
अब ये x कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर जो स्क्वायर रूट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 16 विच इज 4 स्क्वायर, ये तो फिर वही बात हो गया ना, बिटवीन द रूट्स होगा, तो माइनस 4 से 4 के बीच में होगा वाई, वाई होगा ना माइनस 4 से 4 के बीच में। बट ये देखते ही हम रेंज ये नहीं बोल देंगे, ऐसे नहीं कि हम चीख पड़ेंगे कि यही हमारा रेंज है, ऐसा नहीं है, फिर हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा y का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 4 से 4 के बीच में, फिर हमें यहां से हमने देखा कि यही y के इक्वल है, यही fx है ना y के इक्वल है, अब y है क्या, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये देख रहे हो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका मतलब y का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, जीरो आ सकता है निगेटिव नहीं आ सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे जो हमें y निगेटिव वैल्यू मिल रहा है ना उसको हटा देना बस, तो बाकी जो बचेगा वो रेंज हो जाएगा, तो बस माइनस 4 से 4 के बीच का निगेटिव हटा दिया तो 0 से 4 आ गया, ये रेंज हो गया, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू 4। और 12th क्लास के बच्चों को ये तो ऑलरेडी पता होगा, ये 11th क्लास के जो है वो देख लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा बट देख लो, अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिल गया। अब ये पता है ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, 12th क्लास को बता रहा हूं मैं, 11th क्लास तुम लोगों को नहीं अभी आएगा समझ में, बट कोई बात नहीं है, तुम भी कोऑर्डिनेट पढ़ लोगे तो तुम्हें भी आ जाएगा समझ में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर क्या हमारा ओरिजिन में, और रेडियस क्या है इसका 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस 4, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 4, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4। 11th क्लास के बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, ये तुम्हें अभी नहीं आएगा समझ में, तुम अभी इसको देखो ही नहीं। अब तुम देखो इस वाले ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, यही वाला ग्राफ क्या हमारा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ग्राफ क्या है वाई इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है ना, यही ग्राफ आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, यही तो रेंज हो जाएगा 0 से 4। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है 4 तक, मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है 0 तक, तो रेंज तो 0 से 4 ही हो गया ना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, फिर 5 देख लो, क्या हमारे पास दे रखा है fx का वैल्यू